लोग एक गुजिया तोड़ के दिखा देते हैं, देखिए कितना ज्यादा खस्ता बना हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने रंजना वेजपुर चैनल में। कैसे हैं आप सभी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो होली के शुभ अवसर पर आज हम बनाएंगे गुजिया। तो गांव में किस तरीके से खोआ और मैदा का गुजिया बनता है आप लोगों को हम दिखाएंगे। आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। अभी हम आ गए हैं चूल्हा के पास, जहाँ पर हमारी दीदी की रसोईया घर है, यहीं पर बनता है खाना, तो यहीं पर गुजिया भी बनाएंगे। तो देखिए गुजिया का पूरा सामान आ चुका है, जो कि देखिए मैदा है और चीनी है, सूजी है और ड्राई फ्रूट्स है जो डालने के लिए गुजिया में। तो सबसे पहले हम चूल्हा में आग जलाएंगे। देखिए चूल्हा मैंने आग जला लिया हुआ है, आग मारी जल गई है। चूल्हा पर रख देते हैं कढ़ाई। अब कढ़ाई में डाल देते हैं देसी घी। तो घी पिघल चुका है, अभी हम सूजी जो है कढ़ाई में डाल करके भुनेंगे। तो सूजी ज्यादा है तो आधा सूजी भुनेंगे, दो मतलब दो घान में करके के तब सूजी हम भुनेंगे, क्योंकि 2 किलो सूजी है तो 1 किलो अभी भून ले रहे हैं, तो 1 किलो दोबारा भुनेंगे। ऐसे लगातार कलछुल से चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जो है सूजी में कढ़ाई में सूजी जो है पकड़े ना, और लगातार चलाते ही अच्छे से हम सूजी भुनेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मैदा जो है चलनी में लेकर के भाई भाभी चाल रही है, अब इसको चलनी में लेकर चानेगी, फिर उसके बाद सानेंगी। तो मैदा में यहाँ पर देखिए रिफाइंड का तेल डाल रहे हैं खस्ता करने के लिए। रिफाइंड तेल डालने से क्या होता है कि इससे हमारा जो गुजिया है एकदम बहुत ज्यादा कुरकुरा बनेगा, टाइट नहीं रहेगा। तेल और मैदा अच्छे से मिक्स कर देती हैं। अब मैदा जो है आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से गूंथेंगे। तो इस समय आग जो है बिल्कुल धीमा कर दिया हुआ है, धीमी आग में जो है हमारा सूजी पक रहा है। और इधर देखिए ड्राई फ्रूट आए, इसको भी काट लेते हैं, जो कि सूखी गरी है। अश्वी नानी बोला थी, तो सूखी गरी को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा जो है गूंथ के एकदम से तैयार कर दिया हुआ है। तो भाभी हमारी गूंथ रही थी तो बहुत ही बढ़िया से गूंथी हुई है। अब इसको रख देते हैं अच्छे से कुछ टाइम के लिए, कि अच्छे से हमारा मैदा जो है सेट हो जाए, फिर उसके बाद गुजिया बनाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए सूजी मैंने बहुत ही बढ़िया से भून लिया हुआ है। देखिए अभी आप लोग को गोल्डन कलर का दिखाई पड़ रहा होगा, लाल हो गया है, तब सूजी जो है हमारा एकदम से पक चुका है। अब सूजी हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा घान भी हम सूजी भूस करके तैयार करेंगे। सूजी हमारा पूरा जो है भुना चुका है। अब देखिए कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा पानी, अब इसमें डाल देते हैं चीनी। तो चीनी भी हमारा 2 किलो है, तो पूरा चीनी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा चीनी जो है बचा लेते हैं। अब चीनी को अच्छे से हम पिघलने देते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा चीनी जो है पिघल चुका है, अब इसमें डाल देते हैं सूजी। तो सूजी डाल दिए हमारी भाभी जो है, अब अच्छे से सूजी और चीनी बढ़िया से मिलाएंगी। अभी कढ़ाई को देखिए नीचे उतार दे रही है भाभी चूल्हा से, और नीचे उतारने के बाद अब इसमें और सब कुछ मिलाएंगी। अब इसमें जा रहा है खोआ। तो घर के दूध से ही बना हुआ है। तो अब इसमें जा रहा है गरी और किशमिश। कुछ देखा
गोझा के गोझा में डालने के लिए सोंठ फायदा करता है कमर के लिए, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने सोंठ खून कर दे दी, अब इसको हम चलनी से चाल लेंगे, फिर उसमें मिलाएंगे, अब इसमें हम मिक्स करेंगे। आवा सोंठ को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि खूब अच्छे से इसमें मिल जाए। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब गुजिया बनाना शुरू हो गया है, तुम्हारी दोनों भाभी मिल करके बनाएंगी। हाँ दोस्तों, हम लोग बेल रहे हैं, अब हमारी देवरानी वो भर कर काटेंगी साचे से। काय हंसा था वो भाभी, बोला भाभी गुजिया काटा था। बोला दोस्तों देख लो, मैं गुजिया काट रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी भाभी शर्मा रही है, बोल नहीं रही है। दिखाओ हो भाभी पर गुजिया कैसे बनवा। तो देखिए दोस्तों, एक गुजिया बन के तैयार हो गया। तो जब गुजिया बनने लगता है तो कई सारे लोग मिल करके बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है और काफी दिन तक चलता भी है गुजिया। तो इस पर हम हैं और हमारी भाभी और हमारी सिस्टर, सभी लोग देखिए भी गाड़ी कर रही है हमारी सिस्टर, सभी लोग मिल करके बनाएंगे। भाई अभी हमारी बुआ जो है चली गई है, वो भी आएंगी। इससे बहुत बढ़िया बढ़िया गुजिया बन रहा है। यहाँ पर देखिए एक थाली भर के जो है गुजिया बन चुका है। अभी इसको यहाँ पर देखिए कपड़ा फैलाए हुए हैं, इसी कपड़ा पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लगा करके यहाँ पर मैंने पूरा गुजिया रख दिया हुआ है। अब इसको ढक देते हैं। तो अभी आप लोग देख लीजिए कि कितना ढेर सारा गुजिया हमारा बन के तैयार हुआ है। अब इधर भी बना भी रहे हैं, उधर आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितना बन के तैयार हो चुका है। तो अभी आप लोग देख लीजिए, फाइनली हमारा पूरा गुजिया बन के तैयार हो गया है, कितना ढेर सारा बना हुआ है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे चूल्हा में आग जला दिए हुए हैं, अब जा रहा है कढ़ाई में तेल, अब गुजिया छानेंगे। तो तेल गर्म हो गया है, तो गुजिया तेल में डाल करके छानते हैं। तो एक एक करके सभी गुजिया डालेंगे, जितना हमारे कढ़ाई में आ सकेगा उतना डालेंगे तेल के हिसाब से। देखिए इतना गुजिया मैंने डाल दिया हुआ है, अब नहीं डालेंगे, पहले इतना पका लेंगे, निकालेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे गुजिया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए गुजिया हमारा जो है एकदम बढ़िया से पक चुका है, देखिए गोल्डन कलर का दिखाई पड़ रहा होगा, और ये भी गुजिया हमारा फूटा नहीं है, इतना बढ़िया से पका हुआ है। अब इसको रख देते हैं थाली में। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही प्यारा कलर भी आया हुआ है। अभी देखिए दूसरा घान हम तेल में डाल करके छानेंगे। तो कलछुल से इसको हम उधर पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से बढ़िया से पक जाए, और इसमें मैंने आग बिल्कुल भी तेज नहीं किया, वो धीमी आग में हम गुजिया को पका रहे हैं। हमारा देखिए बहुत ही बढ़िया से पक चुका है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। देखिए दूसरा घान भी देखिए, एक भी गुजिया हमारा फूटा नहीं है, बहुत ही बढ़िया से बना हुआ है।
दो खान मैंने गुजिया छान के तैयार कर लिया हुआ है। देखिए थाली भर गया है, बहुत ही बढ़िया कलर से मैंने इसको पकाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया पका हुआ। देखिए एक भी गुजिया का मुंह नहीं खुला हुआ है, बहुत ही बढ़िया से बनके तैयार हुआ है। आप लोग को एक गुजिया तोड़ के दिखा देते हैं, देखिए कितना ज्यादा खस्ता बना हुआ है हमारा ये गुजिया, बहुत ही बढ़िया से बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा तो काफी अच्छा आपका गुजिया बनके तैयार होगा। तो गुजिया बनाते बनाते काफी शाम हो गया है, हम कई सारे लोग मिल करके बना रहे थे, फिर भी इतना समय लग गया क्योंकि 2 किलो सूजी था, 2 किलो मैदा था, तो इसलिए बहुत ज्यादा समय लग गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम पूरा गुजिया छान करके तैयार कर लेंगे। अगर आप आज का हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में, आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखते हैं उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्यारे दोस्तों को हैप्पी होली, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।